हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कौनप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं टेकी इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आप लोग लड़की पैदा करने के इच्छुक हैं, अगर कोई कपल, अगर कोई जोड़ा हस्बैंड वाइफ का लड़की पैदा करनी चाहता हो तो उसको क्या तरीका अख्तियार करना चाहिए ताकि उसकी लड़की पैदा हो जाए। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वैसे तो लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक ही बात है। लड़का हो जाए, लड़की हो जाए, आपको दोनों में खुश रहना चाहिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जानकारी करने में कुछ नहीं जाता, आपको जानकारी होनी चाहिए कि लड़की आप कैसे पैदा कर सकते हैं। तो ये सारी जो बात निर्भर करती है, ये आपकी ओवुलेशन डेट के ऊपर निर्भर करती है। ओवुलेशन डेट की डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात नहीं करेंगे। वो बाजार से किट मिलती है, उसके अंदर पूरा चार्ट रहता है कि कैसे ओवुलेशन डेट निकालते हैं। आप वहां से पढ़ सकते हैं और आप उसको वैसे फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इसके ऊपर लिखा रहता है, हम उससे आगे की बात करेंगे। तो जो भी आपकी ओवुलेशन डेट निकल कर आए, ओवुलेशन डेट हर मंथ में फिक्स नहीं होती, वो हर महीने चेंज भी हो सकती है। ज़्यादातर जो लेडीज़ के पीरियड्स रेगुलर होते हैं उनकी चेंज बहुत कम होती है, जिनके इररेगुलर पीरियड्स होते हैं उनकी चेंज होती रहती है। तो उनको चाहिए हर मंथ अपनी अलग से डेट चेक करें। जिनके पीरियड्स रेगुलर भी हैं वो भी रिस्क नहीं लें, वो भी हर मंथ अपनी ओवुलेशन डेट चेक करें जब वो बच्चा प्लान कर रहे हैं। ओवुलेशन डेट वो डेट होती है जिस दिन जो लेडी की ओवरी है वो एक एग रिलीज करती है, लेडी के अंदर एग रिलीज होता है जो फिर बाद में पुरुष के स्पर्म से मिलकर जिससे बच्चा बनता है, जायगोट बनता है, फिर बच्चा बनता है। तो आज अब ओवुलेशन से आगे की बात करेंगे। तो अगर आपको लड़की पैदा करनी है तो जो भी आपकी ओवुलेशन डेट निकल कर आए उससे 48 से 50 घंटे पहले, सपोज कीजिए आपकी 15 तारीख निकल कर आती है ओवुलेशन डेट, तो 13 तारीख को 48 से 50 घंटे पहले, 47 नहीं होने चाहिए, 50-51 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 48 से 50 घंटे पहले आप रिलेशन बनाएं अपने हस्बैंड के साथ और उसके बाद रिलेशन कतई नहीं बनाएं। उसके बाद आप जब 15 तारीख को आप टेस्ट करते हैं, टेस्ट करें, तो टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव मतलब कि अगर आपकी उस दिन वो जो दो लाइंस शो हो जाएं ओवुलेशन किट के ऊपर, इसका मतलब आने वाले दो दिनों के अंदर जो आपकी ओवरी है वो एग रिलीज करेगी। ये टेस्ट बेसिकली LH हार्मोन का होता है, आपके यूरिन के अंदर LH हार्मोन बढ़ जाता है। जब वो LH हार्मोन बढ़ता है तभी लेडीज ओवुलेट करती हैं। तो अगर तो वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो फिर आपके लड़की पैदा ही होगी, ये निश्चित तौर पे है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि लड़का कैसे पैदा करना है, उसमें मैंने बोला था कि 99% चांसेस हैं, 100% चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आपका टेस्ट उस दिन 15 तारीख को पॉजिटिव आ जाए तो 100% चांसेस हैं कि आपके लड़की पैदा हो जाएगी। अब उसका लॉजिक, उसका फंडा ये है कि जो इंसान का स्पर्म रहता है उसके अंदर एक्स भी रहेंगे, वाई भी रहेंगे। एक्स से लड़की पैदा होगी, वाई से लड़का पैदा होगा। जो वाई है उनकी लाइफ ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे से 50 घंटे होती है, इसके बाद वो मर जाते हैं। तो जब आप वो टेस्ट करेंगी तब तक 48 से 50 घंटे हो चुके होंगे आपको रिलेशन बनाए हुए और वाई स्पर्म्स खत्म हो चुके होंगे, वो मर चुके होंगे। और जब 16 या 17 को आप ओवुलेट करेंगी तो एक्स स्पर्म्स जिनकी लाइफ 120 घंटे या 5 दिन तक होती है वो ही इकलौते लेडी के अंदर होंगे और लड़की पैदा होगी। जो जायगोट बनेगा वो लड़की का बनेगा। अब दूसरी बात, अगर आप 13 तारीख को रिलेशन बना लिया आपने, 15 तारीख को आपका टेस्ट नेगेटिव आता है, तो दोबारा से आप रिलेशन कतई नहीं बनाएं, अगले मंथ की वेट करें। अगले मंथ में जो भी आपकी ओवुलेशन डेट निकल के आए उस चार्ट के हिसाब से जिस दिन आपको टेस्ट करना हो उससे 48 से 50 घंटे पहले फिर रिलेशन बनाएं और फिर इसी प्रक्रिया को आप रिपीट करें। बीच में रिलेशन नहीं बनाएं, नहीं तो सब काम खराब हो जाएगा।
ऐसे जिनका टेस्ट फिर नेगेटिव आए उनको फिर ये प्रक्रिया रिपीट करनी पड़ेगी 3 या 4 महीने तक, फिर उनका काम हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिनका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए वो उनके तो लड़की होनी निश्चित है, जिनका नेगेटिव भी आता है उनके भी निश्चित तौर पे हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैंने एक और वीडियो जो बनाई थी लड़के की, उसमें मैंने बोला था कि 99% चांस है, इसमें भी अगर आपके कुछ दिक्कत हो सकती है 1%, तो वो सिर्फ इसमें हो सकती है कि जो आपने मैथमेटिक्स किया है ओवुलेशन डेट को कैलकुलेट करने का, अगर आप उसको गलत कर रहे हैं तो ही दिक्कत हो सकती है। अगर आप वो मैथमेटिक्स सही करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती, आपके लड़की ही पैदा होगी। साइंस ने इस नियम को समझ लिया है कि लड़का लड़की पैदा कैसे होते हैं, तो आप अपनी मर्जी से लड़का लड़की पैदा कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।